चीज आता है इस चीज को हासिल करने के लिए, जो दिल होता है ना वो बड़ा देर से जो है ना कर रहा था कि इस चीज को ना हम पाए, लेकिन वो आज जो जो चीज करने लगे हैं ना उसके लिए मैं जब आपको बताऊंगा ना आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। खैर तुम तो पागल हो ही रहे मैं तो हो ही गया था हो। पहले अच्छा बात सुनो, अब क्या है कि जो हमारी ये पूरी जगह है ना ये सारी की सारी। चलो चलो एक चीज दिखाओ तुम्हें मैं। यहाँ पे देखो, पता चल गया था तुम्हें कल? नहीं नहीं पता चला नहीं। क्या भला? इनका अंडा आया हुआ है। अंडा है? ओ हाँ भाई ये वैसे मटकी के अंदर वो है। नहीं चलता यार इनका ना अंडा आया हुआ, वो देखो वो देखो देखो वो देखो, फीमेल बैठी हुई, फीमेल तो कभी इस तरह बैठी ही नहीं। और यहाँ पे एक और गुड न्यूज मैं तुम्हें सुनाऊँ, क्या? हमारे जो ये वाले बजीज है ना ये भी बार बार मटकी के अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, यानी कि इनको ना ये न्यू रूम वाला एनवायरनमेंट ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। अच्छी बात है। बाकी दोस्तों हमारे जो सारे कॉलोनी वाले बजीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और यार फिंचेस में से इन दोनों में से ना किसी ने एक अंडा दिया हुआ था, तो अब मैं ये करता हूँ कि इनका तो एक बॉक्स तो लगा हुआ है और एक बॉक्स ना रात में भाई ले आए थे, तो वो बॉक्स ना मैं अपने फिंचेस के केस के अंदर लगा देता हूँ। आ जाओ भाई। यार बात सुनो, हाँ यार ये हम इस तरह के जो तोते हैं और इकट्ठे ना कर लें, क्या कहते हो तुम? किसी दिन चक्कर लगा के, बल्कि आज तो एक सरप्राइज भी देना है अपने पैरट्स को सारी चीजों के रिलेटेड। आ जाओ यार। आ जाओ। देखो ये देखो यहाँ पे जो हमारा ना चिंटू है ना हाँ? ये इस फीमेल के साथ पता नहीं बैठा हुआ है। तुमने इनके साथ छोड़ दिया हुआ? हाँ वैसे इनके साथ तो छोड़ ही दिया हुआ है, ये फीमेल के साथ। ये देखो फीमेल समझ रही है मेरा बच्चा है। हाँ क्योंकि वो छोटा सा है। कल ना मैं गया मार्केट, बात सुनो यार ये चिंटू, यार चिंटू मिंटू यार नहीं रहा बेचारा, इसको दोस्त बंद करते हैं। कल मैं मार्केट ये फीमेल बचा ही लेगी मुझे उम्मीद है इसको। इसको हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैं मार्केट गया जब बॉक्स लेने गया था, तब ना वहाँ पे मुझे ना इसके साइज के खरगोश नजर आए, ठीक है। मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। जब मैं अंदर गया ना तो भाई को कहा, मैंने कहा यार एक पीस मैंने लेना है। हाँ मैंने कहा फीमेल आप कर देंगे, ठीक है। अच्छा जब उन्होंने फीमेल करने को कहा ना तो वो 1500 रुपये की फीमेल, अकेली फीमेल। हमारा चिंटो अब सस्ता थोड़ी ना नयाब है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ना सारे के सारे पिजन्स हैं ना ये भी काफ़ी ज़्यादा सुकून से बैठे हुए हैं। और आज ना मैंने माशाल्लाह से अपने सारे सेटअप की सफाई भी कर दी है। बल्ब ज़रा ऑन करके दिखाओ, ये देखें माशाल्लाह ठीक हो गया। और यार इनके बच्चे पता नहीं कब निकलेंगे, चेक इनका एक ही अंडा सिर्फ ठीक है और अब पता नहीं उसमें से बच्चे जो है ना वो पता नहीं कब निकले। तुमने चेक किया सुबह आके? हाँ सुबह आके नहीं, देखो कल कल चेक किया था ना। कितनी देर हो गई है? तकरीबन इनका अंडे दिए हुए ना हफ्ते दो हफ्ते हो गए होंगे। तो चेक कर लो शायद निकल आया हो। नहीं अभी नहीं निकला। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारे शहराजी पिजन्स भी काफी ज्यादा सुकून से बैठे हुए हैं, अंडा इन्होंने देना नहीं है। साइड वाले पिजन्स ने भी माशाल्लाह से एक अंडा दिया हुआ है। इनका तो हर दफा है ना अनफर्टाइल निकलता है। यार मुझे इनके अंडों का इंतजार। हाँ इनके अंडे की दोस्तों यहाँ पे जो हमारी डक्स है ना यार ये इनको पता नहीं क्या है, बाहर आती है ना अपना दाना खाती हैं सही तरीके से, ना पानी पीती हैं, अंदर जाने की करती हैं। और जब अंदर चली जाती हैं तो कहती हैं कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप अपना ख्याल बताएं। मेरा ख्याल है कि यार इनका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा घूम गया हुआ है तुम्हारे साथ रह रहा है। भाई भाई की तो बात ही अलग होती है। बाकी दोस्तों आज मैंने भाई बल्कि मैंने और भाई ने आपको एक सरप्राइज देना है बहुत ही बड़ा, जो कि कितने दिनों से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा एक मुकाम आ चुका है कि अब आपको बता देना चाहिए। चलो अभी बताओ, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। यार पहले तो सबसे पहले जो है ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यार देखो भाई अब इस चीज को ना, नहीं नहीं चीज आता इस चीज को हासिल करने के लिए, जो दिल होता है ना वो बड़ा देर से जो है ना कर रहा था कि इस चीज को ना हम पाए, लेकिन वो आज जो जो चीज करने लगे हैं ना उसके लिए मैं जब आपको बताऊंगा ना आप भी खुशी से पागल हो जाएंगे। खैर तुम तो पागल हो ही मैं तो हो ही गया था पहले। अच्छा बात सुनो, अब क्या है कि जो हमारी ये पूरी जगह है ना ये सारी की सारी, ठीक है, फिर यहाँ से लेके ऊपर ये जो जगह ना ये जो नुकीले लगे हुए हैं, हाँ याद रख, इससे नीचे ये जो ये नहीं आ रही ब्रेक, हाँ, हाँ, पट्टी आ रही, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ तक, ठीक हो गया। आप बताओ और आगे मुझे खुद भी दोस्तों सही तरीके से ना पता नहीं है, एक मिनट, इतना पता है कि यहाँ पे कुछ चीज होने लगी है लेकिन सही तरीके से नहीं पता क्या क्या होने क्या लगे। चलो मैं अकेला ही गया था इसको सर अंजाम देने के लिए। हाँ चलो चलो बताओ बताओ। अच्छा और ये होगी यानी ये जो जगह है ना वो इतनी होगी जो अंदर यहाँ तक जगह सही हो गया, ठीक है। और ये पूरा जो है ना हमारा एक बिग एवरी बनेगी इसके अंदर, बिग एवरी इस पूरे के पूरे के पूरे में। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से पूरे एंड तक बहुत बड़ी है यार, छोटी नहीं है। इसके अंदर जो मैंने सोचा हुआ है ना कि यार ये सारी पीछे जो जगह है ना सारी इसको हमने मटकियों बॉक्सों से भर देना है।
अच्छा, एवरी सही हो गया यार, ये तो काफी ज्यादा अच्छा काम है। बाकी इसके अंदर हम अपने पिजन्स भी छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ना है, एवरीथिंग। ये सामने पीछे फिंजेस, बजीज, मटकियां, और वो घर लग जाएंगे। इधर भी सामने मटकियां और भी काफी ज्यादा मैंने चीजें सोची हुई है। कोई दरख्त मिले ना हमें तो हम यहाँ पे खड़ा कर दे, ताकि जो बजीज है ना उनको कोई एक वाइब आए नेचुरल वाली। हाँ मैंने सोचा हुआ है, मैंने चार जो है ना चार दरख्तों का सोचा हुआ है कि इधर से इधर से इधर 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 ठीक हो गया यार, बेस्ट काम है। पास उसके ऊपर हम कलर कर देंगे और उसके अंदर फिर हम अपना सारा। और मैंने एक और चीज भी सोची है, अगर तो अच्छी लगे तो बताइएगा। क्या मास्टर केज के अंदर वो लोहे की ना, लोहे की वो फ्रेम बनता है जिसके अंदर बजी डव्स के लिए, डव्स के लिए नेस्टिंग मटेरियल। काफी ज्यादा कुछ कर सकते हैं यार, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। चलो लेकिन अब ये सरप्राइज पूछो कैसा लगा, और इस वीडियो के ऊपर यार अब व्यूज आने चाहिए यार, मुझे नहीं पता व्यूज आने चाहिए, तुम अपनी तरफ मुंह करो। इस वीडियो पे दोस्तों अगर हमारे 5000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो काम जो है ना वो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा देंगे। वैसे भी फिलहाल जल्दी जल्दी करवाना है, लेकिन उससे ये होगा कि उसको काम को ना बूस्ट मिल जाएगा और काम फटाफट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आज हमने काम करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे तो हमारा पूरा का पूरा एक एवरी बननी है, जिसको हम सुप्रीम केज भी कह सकते हैं, मास्टर केज भी कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके नाम है, सही है ना। तो उसके लिए लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ना दो दो एक एक ईंटों का ना वाल चाहिए, यानी कि एक एक ईंटे हमने दो मतलब एक पहले लाइन फिर उसके ऊपर, ठीक हो गया। दो दो ईंटों की ना एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए जी ईंटे। चलो भाई आओ ज़रा ऊपर चेक करो इंटे, दोस्तों हमारे पास ये पड़ी हुई है, लेकिन ये इंटे हमें ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल रोड़े रोड़े कह सकते हैं आप, छोटी छोटी इंटे हैं। तो हमें इस काम के लिए ना बड़ी बड़ी इंटे चाहिए, ताकि ये जो हमारी सारा केक ना क्या कहते हैं यार लाइन में इंटे लग जाए ना, फ्रेम रखना जिसके ऊपर, तो वो ना सही सही इंटों का बने। तो यहाँ पे हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी इंटे पड़ी हुई हैं जिसका कि हम ना नीचे लगा के ऊपर फ्रेम बना सकते हैं, सही इंटे हैं ये। तो इसको अब ना हमने साफ करना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सीमेंट लगा हुआ है। तो फिलहाल ये मेहनत मुझे करनी पड़नी है तुम्हारी वजह से, ठीक है यार कर दो। काफ़ी ज़्यादा इंटे हैं यहाँ पे भी मैंने की थी। और अगर आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा ये क्या काम हमने किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम पहले अनाड़ी हुआ करते थे और हमारा एक ख्वाब था यहाँ पे पिजन्स की कॉलोनी बनाने का। तो वो काफ़ी मरतबा हमने ना खड़ी की थी, लेकिन हर दफ़ा ही ना तकरीबन ऐसी ऐसी बन जाती थी, यानी कि सही नहीं थी। बात सुनो यार, एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम ना इस जगह के बारे में गोल सेट करो कि हाँ भाई मैं इस जगह पर आके इसको बनाना स्टार्ट करूंगा, फिर मजा आएगा। वो मैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बताऊंगा, एक टाइम नहीं बताना ना। पहले तो यार सबसे पहले दोस्तों हमने इन ईंटों की सफाई करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाइक का बटन लाजमी दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और बस इतना ही कर देना है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं शाम के वक्त, जब हम अपने परिंदों को दाना पानी करेंगे। ये लो भाई, खुद आप आ गए हो, ये लो काम स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, और ईंटें ना आपने नीचे लेके आनी है, और उसके बाद हमने ना लगाने का काम स्टार्ट करना है। उतनी देर मैं और ये मिलके ना नीचे दाना पानी करते हैं, ठीक है। ठीक है यार, सर्दियों का मौसम है, कौन सा गर्मियां चल रही हैं, आ जाओ यार दोनों हम मिलके दाना पानी करें, आ जाओ। पे दोस्तों माशाल्लाह से हमारे जो सारे रैबिट्स हैं ना बाहर खुले हुए हैं, और दो ही सिर्फ और सिर्फ अभी तक ना पिजन्स बाहर आए हैं। मैंने क्या कहा था, अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना दोस्तों। सबके जो दरवाजे हैं ना मैंने उधर से ना खोले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं बाहर आ रहा। पता नहीं, अभी मैं जल्दी से अंदर चेक करता हूँ और इन सबको ना बाहर निकाल दूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको निकाला है बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे दोस्तों इनको ना दाना डाल देते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैंने अपने ना सब पिजन्स को बाहर खोला हुआ है, और अभी जल्दी से ना ऊपर जाके चेक करते हैं कि भाई का जो काम है ना वो कितना कंप्लीट हुआ है। काफ़ी देर के ना भाई लगे हुए हैं ऊपर, तो इस वक्त तकरीबन भाई को ऊपर ना घंटा होने लगा है, और भाई के पास ना वाह यार सामने यार कितने ज़्यादा प्यारे पिजन्स बैठे हुए हैं। और भाई के पास दोस्तों मैं अपना ना हेनरी भी छोड़ के गया हुआ हूँ, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा ना ठंड होती है, तो ठंड की वजह से हेनरी को मैं ना ऊपर रख गया था। बाकी काम इतना ही हुआ भाई, लगता है काफ़ी मेहनत लग रही है। सही है सही है,
इतने दोस्त हमारे पास ना तकरीबन 3-3-6 और तकरीबन 10 ईंटें हमारे पास ना साफ हो चुकी हैं एक घंटे में। बहुत ज़्यादा यार सफाई करने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और जब वो गंदी करनी हो तो सीमेंट लगा के सीधी गंदी कर दो। दोस्तों तकरीबन शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हमारी ईंटों की पूरी लाइन बन चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमने ना ये रख के चेक किया है कि क्या कितनी ईंटें आती हैं इस लाइन में पूरी की पूरी। तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि इस पूरी की पूरी लाइन में ना तकरीबन 25 ईंटें आएंगी। यानी कि एक लाइन बन गई, इसके ऊपर भी एक और ईंटों की लाइन बनेगी, यानी कि 50 ईंटों का ये पूरी की पूरी एक ना लाइन बनेगी। और उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा केज है ना वो पूरा का पूरा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी भाई ना ऊपर ही हैं, बाकी की जो ईंटें हैं ना थोड़ी बहुत वो साफ कर रहे हैं। और इस वक्त मैंने अपने ना सब परिंदों को ना दाना पानी जो है ना इनका दे दिया है और अंदर भी कर दिया हुआ है। अभी जल्दी से भाई के पास ऊपर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि 50 ईंटे बल्कि 25 तो हो गई हैं, बाकी जो 25 ईंटे हैं ना वो करने में आपको ना कितना टाइम लगेगा। बाकी ये देखें लाइन तो हमारी नीचे बनी पड़ी हुई है और इस वक्त यार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई को ऊपर 2-2.5 घंटे हो गए हैं। उफ हाँ जी भाई कितना टाइम लगेगा यार ये टोटल ईंटे करने में? यार इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी करके ना। तो यार अभी तो फिलहाल नीचे आ जाओ, इंशाल्लाह कल जो बाकी का काम होगा ना वो हम कर लेंगे। काफ़ी देर के बाद दोस्तों आज के दिन हम अपनी वीडियो का जो एंड होता है ना वो हम अपने ना पेट टाउन पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब फिर आप लोगों ने यार लाजमी करना है। मिलेगी इंशाल्लाह कल, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।